नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24x7। इससे मैं है मुकेश शर्मा के ऑफिस में और जिनको बीजेपी के गुड़गांव से टिकट मिली है, और मैं बता देना चाहता हूं कि जनहित के कार्य मुकेश शर्मा जी लगातार कर रहे थे और श्याम भगत है और इनको पूरी उम्मीद थी कि टिकट इनको मिलेगी। आज टिकट मिलने की खुशी में आप देख सकते हैं कि पूरे गुड़गांव के लोग यहाँ आए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ है प्रवीण शर्मा जी, जो बताएंगे मुकेश जी के बारे में। आप कितना खुशी महसूस करें आज मुकेश शर्मा को बीजेपी की टिकट मिली है और इनको उम्मीदवार घोषित किया? देखिए, एक तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे गुरुग्राम वासियों को और पूरे हरियाणा प्रदेश का जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय स्तर का जो शीर्ष नेतृत्व है, उस मुकेश शर्मा जी और मुकेश शर्मा जी की टीम की तरफ से, गुरुग्राम भाजपा की तरफ से भी, क्योंकि मैं जिले में भी कार्यकारिणी सदस्य हूं, मैं प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो उन्होंने हरियाणा प्रांत के अंदर 36 बिरादरियों का भी समान रूप से समावेश करके सब पूरी जातियों को, हर वर्ग को साथ लेकर, खिलाड़ी हो, जिस प्रकार से मुकेश जी भी हमारे खिलाड़ी हैं, पहलवान रहे हैं, और युवा हो, और जो अपने दलित समाज है, सर समाज को साथ लेकर पूरी जातियों का जो है समावेश टिकटों के वितरण में किया है, बहुत बहुत मैं आभार। सर, गुड़गांव वासियों को क्या कहना था? मुकेश शर्मा जी काफी साल से मेहनत कर रहे थे और बीजेपी के लिए कार्य कर रहे थे, और इनका कहना था कि बीजेपी मेरे लिए सब कुछ है, बीजेपी के लिए जीऊंगा, बीजेपी के लिए मरूंगा। इसी के बारे में ज्यादा विषय हम ये बताएंगे कि पूरा हर व्यक्ति जानता है, भाजपा का प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता जानता है कि मुकेश जी लगभग पिछले 25 वर्षों से भाजपा के संगठन के साथ, एक मजबूत सिपाही के साथ, मजबूत सिपाही के रूप में भाजपा के, चाहे वो कनिष्ठ कार्यकर्ता है, चाहे वो के साथ अनेक दायित्व का वहन किया है। प्रदेश में भी अपने प्रदेश सचिव की भूमिका निभाई उन्होंने। आज वर्तमान में भी खेल प्रकोष्ठ का जो उनके पास संयोजक का दायित्व है, और आज जहाँ तक मैं मानता हूँ मुकेश जी गुरुग्राम के अंदर प्रत्येक वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। ये सीट बीजेपी की झोली में जाएगी गुरुग्राम की? देखिए, ये सीट नहीं, मैं कहता हूँ उनके पास पूरी ताकत के साथ पूरी गुरुग्राम विधानसभा को ऐतिहासिक मार्जिन के साथ जीतेगी, और पूरे, मैं मानता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर पूरे मेजोरिटी के साथ भाजपा एक मजबूत पार्टी के रूप में निकल के आएगी और अपनी पूरी मजबूत स्थायी सरकार देगी, और पूरी जो हरियाणा प्रांत के अंदर जो हमारे 10 साल का काम है भाजपा सरकार का, हरियाणा की जनता उसके ऊपर वोट लगाएगी, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक समरसता का काम हो, चाहे वो किसी प्रकार का कृषि के क्षेत्र का काम हो। मैं मानता हूँ कि हरियाणा सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, जिस प्रकार का अगर हम देखते हैं कि आज खिलाड़ियों के लिए रूप में भी देख लें, खिलाड़ियों के साथ मिल करके, चाहे किस प्रकार की सर इन्होंने जीएसटी की डिमांड की थी, आपको पता है जी, मुकेश जी का जो यहाँ गुड़गांव के लिए संकल्प है, उन्होंने ये कहा है कि गुरुग्राम के अंदर एक तो जो अपना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार से हमारे रोहतक में पीजी आई है। गुड़गांव के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि जो एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, और उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, तो इससे एक साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, पार्टी विद अ डिफरेंस जो भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, वो आज आदरणीय भाई साहब को टिकट दे के भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना जो विचार है उसको चरितार्थ करने का काम किया है, और हम इसके लिए भाजपा हाईकमान को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। एक आम आदमी को, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति को उठा के विधायक के उम्मीदवार के तौर पे चुना गया है, ये पूरे गुरुग्राम के लिए बड़ा हर्ष का दिन। आप क्या कहें, मुकेश जहां वोट वहां जनता वहां, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा, आपने मेरे मन के विचार अपने एक वाक्य में कर दिए। मुकेश पहलवान जी जनता के नेता हैं, जनता में लोकप्रियता के कारण ही उनको जाना जाता है, और सदैव 25 साल का जो उनका लंबा संघर्ष रहा है, उस नाते से वो जनता के बीच में ही रहे, और इसी का एक महत्वपूर्ण कारण है कि पार्टी हाईकमान ने इस खूबी को पहचाना और ऐसा उनको समझ में आया कि धरातल पे यही एक व्यक्ति ऐसा मजबूत है, इसलिए उनको नुमाइंदा अपना बना करके भेजा है। वो श्याम भगत भी है, क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, हारे के सहारे का पूरा आशीर्वाद आदरणीय भाई साहब पे है, सभी यहाँ श्याम प्रेमी इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा कल रात से, जब से टिकट की घोषणा हुई है 7:30-7:30 बजे से, तब से हजारों लोगों का हुजूम यहाँ कार्यालय पे और भाई साहब के निवास पे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जितने भी लोग हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने गुरुग्राम में एक बिल्कुल आम घर के परिवार के बच्चे को टिकट दिया, जो पिछले 25 सालों से मेहनत कर रहा है, और आम परिवार के एक बच्चे को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है कि यहाँ कोई खास नहीं है, यहाँ आम समाज में से
लोगों को लिया जाता है, उनको लेके उनको जिम्मेदारी दी जाती है। मुकेश जी को टिकट देकर एक आम आदमी का मान सम्मान बढ़ाया है। बिल्कुल जी, मुकेश शर्मा जी को टिकट देके आम आदमी का मान सम्मान बढ़ाया है, साथ में ऐसे इंसान को टिकट दिए जो समाज से, जो धरातल से जुड़ा हुआ है, छत्तीस बरादरी से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने संगठन के एक सच्चे सिपाही को जो पिछले 25-30 वर्षों से केवल गुड़गांव ही नहीं पूरे दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने परचम लहराया है, एक ऐसे कार्यकर्ता को आज मान सम्मान टिकट देकर और गुरुग्राम की सेवा करने के लिए आज मैदान में उतारा है। और हम सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है और अपनी भावनाओं का बयान करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर ये भावना है कि मैं मुकेश शर्मा हूँ और मैं गुरुग्राम का प्रधानमंत्री बनकर अपना काम करूँगा। हमने पहले भी कहा था टिकट भी मिलेगी, जीते भी गए और मंत्री भी बनेंगे, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, ये आप सब लोगों का सहयोग है और आपकी सबकी भावना है कि एक ऐसे साधारण से कार्यकर्ता को जब पार्टी ने टिकट दी है और सबकी अपेक्षा है कि वो विधायक भी बने और वो मंत्री भी बने और वो जन जन की जो गुड़गांव पिछले 10 वर्षों से इतनी समस्याओं से त्रस्त था उन समस्याओं से भाई सभी गुड़गांव वासियों का निवारण करेंगे, सबकी ये अपेक्षा प्रत्येक कार्यकर्ता। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।